दोस्तों नमस्कार, मुकनायक इंडिया टीवी से मैं भाष्कर सुमन। दोस्तों, सोलापुर की सांसद प्रणीति शिंदे और राहुल गांधी की अभी उनके विवाह की चर्चा, उनके वेडिंग की चर्चा बहुत जोरों पर है। सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है उनके वेडिंग के बारे में, उनकी शादी के बारे में। लेकिन ये सब अफवाहें हैं। सोशल मीडिया पर आजकल कुछ भी अफवाहें फैलाई जा सकती है। सोशल मीडिया पर अभी अभी लालू प्रसाद यादव भी गुजर चुके हैं, ऐसी भी अफवाहें। कभी केजरीवाल मर गए, ऐसी भी अफवाहें फैलाई जाती है। तो दूसरी तरफ अभी प्रणीति शिंदे के बारे में अभी बहुत दिनों से ऐसे आ रहे, सोशल मीडिया पर ऐसी न्यूज आ रही है कि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है कि प्रणीति शिंदे अपने राहुल गांधी के साथ विवाह के बंधन में बंध रहे, उनकी शादी होने जा रही है। हालांकि राहुल गांधी को इस बात का जरा भी पता नहीं, राहुल गांधी इस विवाह के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं और उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है या ऐसी कोई बात नहीं की कि वो प्रणीति शिंदे के साथ शादी कर रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ प्रणीति शिंदे, तो उनको पूछा गया था तो उन्होंने बेशक ये कहा कि ये तो अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसा अगर से होता है तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी को इस बात की जरा भी भनक नहीं है। राहुल गांधी अब किसके साथ शादी करेंगे, किसके साथ विवाह के बंधन में बन जाएंगे, अभी तक उनको यानी उनको ये भी पता नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही है, अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर ये बताया जा रहा है कि प्रणीति शिंदे सोलापुर से सांसद है कांग्रेस की और एक अच्छी खासी एक पॉलिटिकल लीडर है। अंग्रेजी में, इंग्लिश पर उनका प्रभुत्व है, मराठी पर उनका प्रभुत्व, हिंदी पर उनका प्रभुत्व है, तीनों भाषा पर उनका प्रभुत्व है और एक अच्छी लीडर है। संसद में उनका भाषण भी बहुत धमाकेदार रहा है, एक अच्छी पॉलिटिकल लीडर है। लेकिन जो अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से, यानी करीबन एक सप्ताह से यह अफवाहें फैलाई जा रही कि प्रणीति शिंदे राहुल गांधी के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रही, ये सरासर झूठ है, ये अफवाहें फैलाई जा रही। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।